तो महाद्वीपों के अध्ययन में आज हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। और आम तौर पे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में न्यूनतम जानकारी उपलब्ध भी है और हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन ये महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पे पांचवा बड़ा महाद्वीप है। पांचवा बड़ा महाद्वीप, यूरोप से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा इस पर अवस्थित है, देख सकते हैं आप। और ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और पूरी तरीके से हिमाच्छादित है, पूरी तरीके से हिमाच्छादित है। देख रहे हैं बर्फ की सफ़ेद चद्दर आपको दिख पा रही होगी, ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने के साथ जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, लगभग इसके मध्य में अवस्थित है। अभी मैं सारी लोकेशंस आपको दिखाऊंगा। इस महाद्वीप का में कोई मानवीय आवास नहीं है, मानवीय बसाव नहीं है, पूरा वीरान महाद्वीप है। यहाँ पर मानव आबादी नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम है, ग्लेशियर्स हैं, है ना। सूर्य का तापमान नहीं पहुँचता है, साल के 6 महीने तो सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति पर तापमान बहुत कम है और मानवीय बसाव न होने के कारण से यहाँ पर विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो पूरा का पूरा स्थल मंडल है, स्थल मंडल के साथ साथ यहाँ पे मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ का तापमान, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, यहाँ का एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा वायुमंडल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यहाँ तक कि यहाँ बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी इसका दोहन ही नहीं हुआ, न्यूनतम दोहन हुआ है इस उसमें, तो अभी यहाँ पे बड़े रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। विश्व के विभिन्न देशों की उपस्थिति यहाँ पे हो चुकी है। 1959 पे अंटार्कटिका पे एक संधि भी हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न देश जो इसके सदस्य हैं यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बना करके अभी विभिन्न प्रकार के भूगार्भिक और भूतात्विक यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ के मौसम और जलवायु को लेकर के। भारत के द्वारा अभी तक 3 महत्वपूर्ण प्रयोगशालाएं यहाँ पर स्थापित की गई, रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। पहली थी दक्षिणी गंगोत्री, यहाँ पर देखिए ग्लेशियर है, दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर है, उसी के पास है आपका दक्षिणी गंगोत्री, ये भारत का ही अभियान है। इसके बाद मैत्री बनाया गया, मैत्री रिसर्च स्टेशन, ये आपका डेवलप किया गया। और तत्पश्चात एक आपका अभी लेटेस्ट में है भारतीय रिसर्च सेंटर, ये है आपका भारतीय रिसर्च सेंटर, तो इसको बनाया गया है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्टेशंस बनाए गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं अंटार्कटिका में उसके बिल्कुल मध्य से, ये वाले हिस्से में देखें अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य से, ये 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक ट्रांस अटलांटिक बोलते हैं इसको, ट्रांस अटलांटिक काफ़ी लंबा विस्तार है और इसी का आगे एक इसका विस्तार है, इसको बोलते हैं क्वीन मॉड माउंटेन। अंटार्कटिका की 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहली है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन है, पर्वत श्रेणी है, और दूसरी है क्वीन मॉड माउंटेन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और आप देखेंगे बीच बीच में कहीं कहीं पर पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लार्सन हिल है जहाँ पे भारतीय स्टेशन है, यहाँ पर देखिए एक पर्वत चोटी आपको दिखेगी, पूरी श्रृंखला है और बहुत छिटकाव है, छितराव है, तो ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं लेकिन पर्वत श्रेणी, लार्सन हिल है, लार्सन हिल के पास ही आपका अवस्थित है हमारा भारतीय स्टेशन, है ना। और जो क्वीन मॉड है यहीं पर एल्ब्रुस शिखर है, और एल्ब्रुस शिखर जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे है, एल्ब्रुस शिखर इसका एक सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे एक प्रायद्वीप है जिसपे न्यूनतम बर्फ है, मतलब ज़्यादा बर्फीला नहीं है, और जो यहाँ पर देखिए ये है पाल्मर प्रायद्वीप, देखिए यहाँ पे आपको बर्फ कम मिलेगी इसके, वो भी तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा कम है जिसके कारण से इसमें ज़मीन का काफ़ी हिस्सा आपको दिखेगा बाकी बर्फीला है, बर्फीला रेगिस्तान की तरह है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, ये जो पाल्मर प्रायद्वीप है, देखिए प्रायद्वीपीय आकृति आप देख पा रहे होंगे, 3 तरफ से सागर ने झेल, महासागरों ने इसको घेर रखा है। इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, है ना, 2 तरफ से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इस हिस्से ने घेर, और इसमें देख रहे हैं हिमशैल हैं, हिमशैल हैं, हिम के विकार विशाल भूखंड जो पानी में तैर रहे हैं, तो हिमशैल भी इसमें विशाल मात्रा में है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो आपका है ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप सबसे नज़दीक है पाल्मर, जो इसके दक्षिणी अमेरिका से बहुत नज़दीक ही जा सकते हैं, ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आपका दक्षिणी है फॉकलैंड आइलैंड, और यहीं से आपका पाल्मर स्टेशन है, बहुत न्यूनतम दूरी है दोनों की, बहुत न्यूनतम दूरी है, सबसे नज़दीक है यहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये अर्जेंटीना वाला हिस्सा है, नीचे का अर्जेंटीना का हिस्सा है, और ये देखिए यहाँ से आप बहुत न्यूनतम दूरी पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये आपका इधर जो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है वेडल सी, इसके चारों तरफ देखा जाए तो एक वेडल सी है। इसके अतिरिक्त आप आएंगे तो यहाँ पे आपका इधर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है,
इसी को सदर्न सी भी बोलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। और सदर्न सी जो है इसके चारों तरफ का जितना भी हिस्सा है इसको दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं इसके चारों तरफ। लेकिन वैसे दक्षिणी ओशन ये मिला जुला रूप है सभी महासागरों का, चाहे वो अटलांटिक का हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे वो आपका प्रशांत महासागर हो, ठीक है। तो पूरा जो इसके आसपास ये देख सकते हैं ना, सदर्न ओशन ये है आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, खासकर ये वाला हिस्सा इसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। इसी का एक हिस्सा है रॉस सी, इसके चारों तरफ ये रॉस सी आप देख सकते हैं, अभी एक सागर है, ठीक है, जैसे अरब सागर है उसी तरीके से अवस्थित है ये। और अब चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भारत कब सक्रिय हुआ इस महाद्वीप में, तो कुछ चीज़ें आप लिखते जाइएगा। एक पर्सन थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, इसका नाम दिया था, पहले इसका नाम था टेरा इंगानिटका पहला नाम इसका यह था, और ये टॉलमी महोदय द्वारा ये नाम दिया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय शुरुआती दौर पे नहीं था। और 1973 पे जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। पहले इसको सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था, सबसे पहले इसका विचार दिया था टॉलमी महोदय ने, सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था, टॉलमी महोदय ने सबसे पहला विचार दिया था, टॉलमी महोदय ने, और बाद में जो है इस तो टॉलमी महोदय के द्वारा इसका नाम दिया गया टेरा इंगानिटका, ठीक है पहला। और इसके बाद जो है एक पर्सन थे जेम्स कुक जल संधि आपने सुना होगा न्यूजीलैंड के पास है, तो जेम्स कुक महोदय के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी 1773 को। कब खोज की गई, 1773 को। लेकिन इस पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, इसका नाम था फेबियन विलियम शॉसेन, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और 1820 को बोस्टाक जहाज़ में सवार होकर के पर्सन पहली बार पहुंचा था, इसका नाम क्या है, नाम है फेबियन विलियम शॉसेन। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, फेबियन विलियम शॉसेन पहला व्यक्ति है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचता है 1820 में, और पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति। ये जो साउथ पोल है ये नाम आपने बचपन से पढ़ा होगा, 1911 में पहला व्यक्ति है नॉर्वे का पर्सन है एमंडसेन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमंडसन जो है पहला पर्सन था, एमंडसन जो है साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ये तो बात हो गई पहली बार पहुंचने वाले, लेकिन अब भारतीयों की बात करते हैं कि पहली बार भारतीय कब पहुंचे इस पे, ठीक है। तो पहली बार भारतीय पहुंचने में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, इनका नाम है रामचरण जी, 1960 में पहुँचे थे रामचरण जी। पहले भारतीय कौन है, रामचरण जी, 1960 से जो है ये गतिविधि प्रारंभ होती है अंटार्कटिका में भारतीयों की। दूसरी चीज, पहली बार साउथ पोल में पहुंचने वाले भारतीय कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहली बार अंटार्कटिका में पहुंचने कौन है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद 1981 में से प्रतिवर्ष यहाँ पे अभियान चालू हो जाते हैं, 1981 से प्रतिवर्ष यहाँ पे अभियान चालू हो जाते हैं। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं वैसे बर्फ की हिमाच्छादित बादल चादर आप देख ही रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाम दूसरा इसका श्वेत महाद्वीप। तो भारतीयों के द्वारा 1983 में पहली बार जो है, पहली बार अंटार्कटिका संधि है, अंटार्कटिका संधि 1959 से भारत इसका सदस्य बना, और 1985 में भारत के द्वारा एक और जो है एक कन्वेंशन था, समुद्री जैव संसाधन संरक्षण का जो कन्वेंशन था या जो पूरी बॉडी बनी है उसका 1985 में भारत जो है सदस्य बना। तो इसके आसपास का जितना समुद्र है उसको, उसके संसाधनों को लेकर के, उसको लेकर जो बॉडी बनाई गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अंटार्कटिका के समुद्री जैव संसाधन संरक्षण, उसका सदस्य भारत 1985 में बना, और जो अंटार्कटिका संधि थी 1959 उसका 1983 में भारत सदस्य बना, ठीक है। और इसके बाद जो है भारत को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का भारत को अधिकार प्राप्त हो गया, और भारत भी यहाँ पर विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से काम करता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक शोध अभियान के तहत 1984 पे आपका दक्षिणी गंगोत्री, ये पूरा ग्लेशियर है, अभी मैं दिखाऊंगा इसको, इस पर ये तो अब नष्ट हो गया है वैसे। और यहाँ पे अंटार्कटिका में देखो बहुत सारी चीज़ है, रिसर्च के नाम पर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, भू संरचना कैसी है यहाँ पे मौसम कैसा है
है ना, यहाँ का पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, इसको लेकर के शोध किया जा सकता है। यहाँ पर जीवाश्म कैसे हैं, जीवाश्म को लेकर के शोध, ठीक है। यहाँ पर जीव जंतुओं को लेकर के शोध, जीव जंतुओं को लेकर के, जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, वनस्पति को लेकर के कि वनस्पति को लेकर के क्या शोध है, यहाँ पे खनिज किस तरीके के पाए जाते हैं। तो ये आने वाला भविष्य इस महाद्वीप में बहुत आशाएं रखता है, क्योंकि अभी इसका दोहन हुआ ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हुआ। तो भारत ने दक्षिणी गंगोत्री पहला अपना जो है वैज्ञानिक शोध परीक्षण हेतु ये बनाया। इसके बाद 1989 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री बनाया गया, अभी मैत्री में आपको दिखाऊंगा भी जूम करके। इसके बाद ये जो आपका यहां पे इसको बोलते हैं प्रिट्सवे, यहां पर प्रिट्स की खाड़ी है, प्रिट्स की खाड़ी। तो प्रिट्स वे के पास ही आपका भारतीय रिसर्च सेंटर है और यहीं पे लार्सन हिल है, ये है आपकी लार्सन हिल, इसी के नज़दीक है, पूरा बनाया गया है और ये बहुत नवीन है, 2006 में बना था, 2006 में। तो 1983 पे आपका गंगा, 1984 में गंगा ये दक्षिणी गंगोत्री, और 1989 पे आपका मैत्री बनाया गया, 1989 पे मैत्री अभियान बनाया गया है ना। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया था, पाल्मर प्रायद्वीप, ये पाल्मर प्रायद्वीप है और जहां पर ये काफी हद तक बर्फ मुक्त है और यहां पे वनस्पतियां भी पाई जाती हैं काफी मात्रा में। वनस्पतियों के नाम पे इसमें लाइकेन पाई जाती हैं, लाइकेन और दूसरी मास, लाइकेन मास, ये सारी टुंड्रा वनस्पतियां हैं। और एक ठंडा महासागर है इसके चारों तरफ, जिसके जल का तापमान जो है माइनस में रहता है और जल का तापमान काफ़ी कम रहता है, और इस कारण से अंटार्कटिका के चारों तरफ जितना भी सागर है, इस पूरे सागर में हिमशैल है, यहाँ पे हिमशैल है, हिमशैल है अधिकतर, क्या है यहाँ पे हिमशैल पाए जाते हैं अधिकतर, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हिमशैल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में कुछ। इसीलिए इस महाद्वीप को एक नाम भी दिया गया है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है इसे, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसमें विभिन्न प्रकार के शोध भी हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के, तो यहाँ पे मानवीय आवास है नहीं, तो रिसर्च सेंटर के तौर पे ही ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। चलिए अगला है आपका, इसके बारे में कुछ और जानकारी। इसमें एक पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत जो इसका है उसका नाम है इंदिरा माउंट, ठीक है, यहाँ पे ही अवस्थित है इंदिरा माउंट। इसका सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, इंदिरा माउंट, इंदिरा माउंट सबसे ऊंचा पर्वत क्या है इसका, इंदिरा माउंट, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, इंदिरा माउंट, ठीक है। और पहली बार दो महिलाएं यहां पर गई हैं भारत की तरफ से, दोनों के नाम देख लीजिएगा, पहली बार जो है दो महिलाएं अदिति पंत और डॉक्टर सुदीप्ति सेन गुप्ता, ठीक है, दो जो है पहली बार दो यहां पर पहुंची हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त यहां पर मैत्री जो आपका शोध संस्थान है, मैत्री शोध संस्थान में पहली बार जो है सब्जी उगाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस पे आधारित उससे संबंधित पूरा का पूरा एक तंत्र यहाँ पर विकसित किया गया है। और इसके अतिरिक्त मैत्री के समीप जो है भूकंप मापी केंद्र भी बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे भारतीय अभियान हुए थे, जैसे एक 20 अक्टूबर 2015 को हुआ था और ये जहूर कासिम के द्वारा किया गया था और इनका यहाँ पर निधन भी हो गया था, 92 वर्ष के थे, पद्म सम्मान से सम्मानित भी किया गया था और इनका भी निधन भी हो गया था 1981 से 1982 पे। ये क्या है, इन्होंने ये जो है पूरा का पूरा अंटार्कटिका अभियान किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको लाइफ साइंसेज, इसके लिए 2009 में इनको सर सैयद अहमद खान, इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो इसके बारे में वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर एक बार जितनी लोकेशंस हैं, मैं आपको एक बार लोकेशंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले अंटार्कटिका, इसका पूरा का पूरा मानचित्र आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद जो है दूसरा है, इसमें हम चलते हैं दक्षिणी गंगोत्री, ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर है और इसी के समीप आपका ये पूरा, यहीं पर आपका दक्षिणी गंगोत्री जो हमारा पूरा पूरा रिसर्च सेंटर था यहीं पे अवस्थित था, इसी ग्लेशियर के पास, इसी के जस्ट बगल में यहीं पर आप देखेंगे ये मैत्री है, आप देखें नज़दीक से पूरा का पूरा ये है मैत्री रिसर्च सेंटर आपका ये है। और इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे
है आपका साउथ पोल। चलो दक्षिणी ध्रुव आपको दिखा देता हूँ। दक्षिणी ध्रुव ये है, बिल्कुल इसके बीचों बीच है, मध्य में अवस्थित है दक्षिणी ध्रुव। तो साउथ पोल आपका जो आप लगातार सुनते रहते हैं, ये एक तरीके से चुंबकीय चुंबक की तरह काम करती है पृथ्वी, तो उसका दक्षिणी ध्रुव इसी के ऊपर अवस्थित है। क्वीन मॉड माउंटेन आपको दिखा देता हूँ, ये क्वीन मॉड माउंटेन है, ये पूरा क्वीन मॉड है जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो क्वीन मॉड आपका माउंटेन, और इसके बाद क्वीन मॉड के बाद दूसरा है आपका ट्रांस अटलांटिक। ये ट्रांस अटलांटिक आपका ट्रांस आर्कटिक, माफ करिएगा, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है यहाँ पे। और इसके बाद आपका यहीं पे भारतीय रिसर्च सेंटर जो इंडिया का है, ये आपका यहाँ पे लार्सन हिल के पास है भारतीय रिसर्च सेंटर। और इसके बाद जो है भारतीय रिसर्च सेंटर के बाद अवस्थित है ये है पाल्मर स्टेशन है, और ये पूरा पाल्मर प्रायद्वीप ही है, पाल्मर प्रायद्वीप पर ही पाल्मर स्टेशन है। एक बार ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया गया है। मैं एक बार भारती को आपको अगेन दिखा देता हूँ, भारती रिसर्च सेंटर जो भारत के द्वारा विकसित किया गया है, ये है आपका भारती रिसर्च सेंटर। ये देखिए ये भारत के द्वारा डेवलप है, अभी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और अभी ये बहुत पुराना नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अगला है रॉस सागर। ये है आपका यहाँ पे रॉस सागर अवस्थित है। रॉस सागर के बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेडल सी। नेक्स्ट है आपका वेडल सी, ये है आपका वेडल सी, ये आपका अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। और इसके बाद जो आपका है सदर्न सी, जैसे दक्षिणी महासागर मैंने आपको बताया, ये भी इसके चारों तरफ ही है। और अंतिम है आपका डेविस स्टेशन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। तो विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न स्टेशन लगाए गए हैं, तो एक बार इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी। इसके बारे में अन्य जो भी विषय वस्तु है मैं आपको जब डिटेल में भी करवाऊँगा, अभी ये सामान्य जानकारी है, डिटेल में कराऊँगा तब आप इसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ इसको आप लोग अच्छे से एक बार अपने मानचित्र पे देख लीजिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्वीन मॉड कहाँ पे अवस्थित है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर के बारे में, इंदिरा शिखर है, जो सर्वोच्च शिखर है इंदिरा शिखर है, उसके बारे में पूछा जाता है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। पाल्मर प्रायद्वीप किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है, इससे पूछा जाता है। भारत के तीनों प्रमुख स्टेशंस के बारे में जानकारी जो लगातार पूछी जाती है कि मैत्री कहाँ पर है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, भारती कहाँ पर है, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक अंटार्कटिक जो पूरी श्रेणी है वो किससे जुड़ी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये क्वेश्चन आपके जानकारी में रहेंगे तो इस महाद्वीप के बारे में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जो है आप इसे देखिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे यूरोप और यूरोप के सभी देशों को। यूरोप के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे से डिटेल से कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको अब अच्छे से करिए, और निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे आपकी जो ज्योग्राफी पर समझ है बढ़ रही होगी, मुझे इसको लेकर के आपको जानकारी भी देना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।